नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी का हिंदी उपन्यास वैरागी। अध्याय एक। कुंज वैष्णव जी की छोटी बहन कुसुम के बचपन का इतिहास इतना भद्दा है कि उसकी याद आते ही वह दुख और लज्जा के कारण जमीन में गड़सी जाती है। 2 ही साल की उम्र में उसके पिता मर गए थे और माता ने भीख मांग मांग कर भाई बहन को पाला पोसा था। और जब वह 5 साल की हुई तो लड़की को सुंदर देखकर बाड़ल ग्राम के निवासी धनी गृहस्थ गौरदास ने अपने बेटे वृंदावन के साथ उसका विवाह कर दिया। किंतु विवाह के कुछ दिनों बाद कुसुम की विधवा माता की बहुत बदनामी फैली, इसलिए कुसुम का परित्याग कर गौरदास ने अपने बेटे की दूसरी शादी कर दी। कुसुम की माँ दुखिया और गरीब थी, परंतु थी तो अभिमानी नहीं। गुस्से में आकर वह भी अपनी बेटी को दूसरी जगह ले गई और उसी महीने में एक असली वैरागी के साथ उसकी कंठी बदल क्रिया संपन्न कर दी। किंतु 6 महीने के भीतर ही वे असली वैरागी राम स्वर्ग सिधार गए। परंतु कुसुम की माँ के अलावा और कोई नहीं जानता था कि वह कौन थे, कहाँ के थे। कुंज भी नहीं जानता था। उसकी माँ को किसी को अपने साथ नहीं ले गई थी और सचमुच ही इस वैरागी के साथ कुसुम की कंठी बदली गई थी भी या नहीं, यह केवल एक अफवाह ही थी और यह भी निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। यह सब कुसुम की 7 साल की उम्र में ही हो गया था, तभी से वह विधवा है। थोड़े में यही उसके बचपन का इतिहास है। अब वह 16 साल की युवती है। सौंदर्य उसके अंग अंग से फूटा पड़ता है, गुणवती भी है और कामकाज करने में भी पटु है, लिखना पढ़ना भी जानती है। किसी बहुत बड़े घर के आदमी के लिए वह शायद अनुपयुक्त तो नहीं लगती। इधर वृंदावन के पिता मर गए और स्त्री भी मर गई, उसकी उम्र भी 25-26 साल से अधिक नहीं। अब वे कुसुम को फिर से अपनाना चाहती हैं। 50 रुपये नगद, 5 जोड़े धोती और दुपट्टे और 5 भर सोने और 100 भर चांदी के गहने कुसुम को देने के लिए वे तैयार हैं। गरीब कुंजनाथ लालच में पड़ गया है। वह चाहता है कि कुसुम राजी हो जाए, पर वह कुछ सुनती ही नहीं। इन दोनों के माँ बाप नहीं हैं। दोनों भाई बहन एक झोपड़ी में रहते हैं जो ब्राह्मणों के मोहल्ले में है। बचपन से कुसुम ब्राह्मणों की बेटियों के साथ खेलती कूदती आ रही है। उन्हीं के साथ वह पंडित की पाठशाला में पढ़ी है और सयानी हुई है। अब भी ब्राह्मणी उसकी सखियां सहेलियां हैं। इसी से पुरानी बातों को याद कर उसका शरीर लज्जा और घृणा से कांप जाता है। मलेरिया और हैजे से पीड़ित बंगाल की स्त्रियों को विधवा होते देर नहीं लगती। उसके बचपन की सखियों में ये कई उसी की तरह हाथों की चूड़ियां फोड़कर और मांग का सिंदूर मिटाकर फिर अपने जन्म स्थान लौट आई हैं। उनमें से कोई उसकी मकर गंगा जल है, कोई महाप्रसाद। सहेलियों के मनगणित नाम है ये। तौबा तौबा, भला मैं अपने भाई की बात मानकर इस जन्म में फिर अपना काला मुंह इस गांव में किसी को दिखला सकूंगी। कुंज ने कहा, बहन यह बात मान लो, तुम सच पूछो तो तुम्हारे असली पति वृंदावन ही है। कुसुम ने चिढ़कर जवाब दिया, भाई मैं असल नकल नहीं जानती, केवल इतना जानती हूँ कि मैं विधवा हूँ। तुमने क्या मुझे कुत्ता बिल्ली समझ रखा है? इच्छा हो वही कर गुजरूं। उधर ब्याह हुआ, इधर कंठी बदली, फिर ब्याह हो और फिर कंठी बदले। जाओ अब मेरे सामने ऐसी बात ना करना। बड़ल वालों में से मेरा कोई वास्ता नहीं, मेरे पति मर चुके हैं और मैं विधवा हूँ। कुंज बेचारा इसके आगे कुछ भी ना कह सका। अपनी इस पढ़ी लिखी तेजस्विनी बहन के सामने वह सिटपिटा जाता है। फिर भी वह सोचता है, परंतु एक तरफा वह बहुत गरीब है। 2 झोपड़ियों और इनसे सटे आम और कटहल के छोटे से बागीचे के अलावा उसके पास और कुछ भी नहीं, इसलिए धोती दुपट्टे और इतना नगद रुपया उसके लिए मामूली चीज नहीं। अगर यह लालच छोड़ भी दिया जाए तो वह अपनी स्नेह भाजन बहन को किसी जगह बिठाकर उसी तरह सुखी देखकर खुद भी तो सुखी होना चाहता था। उनके समाज में कंठी बदलने का रिवाज है, इसलिए उसकी माँ यह संस्कार कर गई। पर वह समझ नहीं पाता कि जब उसकी माँ मर गई है और कुसुम का पति वृंदावन जब उसे घर ले जाने के लिए इतनी कोशिश कर रहा है तो ऐसे मौके को वह क्यों हाथ से जाने देना चाहती है, क्यों उसकी ओर वह ध्यान नहीं देती। समाज के फौजदारों और छड़ीदारों की राय लेकर थोड़ा सा मालसा चूड़ा दही ही तो भोग लगा देना है। विवाह का सारा खर्च तो वृंदावन ही देगा, उसके बाद सारे दुख तकलीफों से छुटकारा, खुशी से रानी बनकर रहेगी। कैसी मूर्ख है कुसुम, ओहो।
अगर वह खुद ही कुसुम होता तो बस कुंज हमेशा ही इस बात तरह की बातें सोचा करता था। कुंज फेरी का काम करता है, सूत के नाड़े, माला, कंघी, सिंदूर, तेल, बच्चों के खेलने की गुड़िया इत्यादि कई प्रकार की चीजें एक बड़े से टोने में सजाकर सिर पर रखकर वह रोज चार गांवों की फेरी लगाया करता है। सौदा बेचकर जो कुछ कमाता शाम को अपनी बहन के हाथ पर रख देता। कुसुम कैसे मूलधन बनाए रखकर उन्हीं पैसों से गृहस्थी का काम चला लेती है, इस बात को ना समझ सकता था और ना समझने की कोशिश ही करता था। घूमते फिरते आज सवेरे ही वह बाड़ल गांव में जा पहुंचा। रास्ते में ही उसकी भेंट वृंदावन से हुई, वह कहीं बाहर जा रहे थे। कुंज को देखकर लौट पड़े, अपने इस रिश्तेदार को बड़े आदर से वे घर ले आए। हाथ पैर धोने के लिए उसे पानी दिया और तंबाकू चढ़ाकर उसकी खातिर की। उसकी माँ ने तरह तरह का भोजन बनाकर कुंज को भरपेट भोजन कराया और किसी तरह भी उस कड़ी धूप में उसे वहाँ से जाने नहीं दिया। शाम को कुंज घर लौटा, हाथ पैर धोकर कुछ चना चबेना खाने बैठा। उसने सारी बातें अपनी बहन से कह सुनाई और आखिर में यह भी कहा कि वह एक अच्छा गृहस्थी है, बाग बगीचा, ताल, खेती बाड़ी किसी तरह की कमी नहीं, लक्ष्मी तो उनके घर में जैसे फटी पड़ती है। सब बातें कुसुम ने चुपचाप सुन ली लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया। कुंज ने इसे एक अच्छा लक्षण समझा और बड़े विस्तार के साथ बताया कि वृंदावन की माँ ने कैसे अच्छी अच्छी चीजें बनाई और कितना उसका आदर सत्कार किया और खिला पिला लेने पर भी क्या वह मुझे छोड़ती थी। कहने लगी, इतनी धूप में जाओगे तो सिर में दर्द होने लगेगा, बीमार पड़ जाओगे। अपने भाई के मुंह की ओर देखकर कुसुम ने मुस्कुराते हुए कहा, तो दिन भर आज तुम इसी काम में लग रहे, बस पेट भर भोजन किया और सोए। कुंज ने भी हंसते हुए उत्तर दिया, तो तुम ही बताओ ना बहन, और क्या करता, किसी तरह भी वह ना छोड़ती थी तो जबरदस्ती में कैसे चला आता। कुसुम ने कहा, अच्छा पर अब तुम उस गांव में कभी मत जाया करो। कुंज इस बात को ठीक से समझ नहीं सका, उसने पूछा, क्यों ना जाया करूं। कुसुम ने कहा, जब भी वे रास्ते में मिलेंगे तुम्हें पकड़ ले जाएंगे, वे ठहरे बड़े आदमी, उनको तो कुछ नुकसान होगा नहीं, पर इस तरह हमारा काम कब तक चलेगा। बहन की यह बात सुनकर कुंज को बहुत दुख हुआ। कुसुम यह समझ गई और हंसकर बोली, ना भैया मैं यह नहीं कहती, एक आदमी में भला कौन सा बड़ा नुकसान हो जाता, परंतु वे ठहरे बड़े आदमी और हम गरीब, उनसे ज़्यादा मेलजोल बढ़ाने की हमें ज़रूरत ही क्या है। कुंज ने कहा, बहन मैं खुद तो उनके घर नहीं जाता। कुसुम, बहुत अच्छा, अगर तुम स्वयं नहीं जाते तो और वे बुलाकर ही ले जाते हैं तो हमें भी जाने की क्या ज़रूरत है। कुंज, अगर ऐसी बात है तो इन ब्राह्मण की लड़कियों से तुम इतना क्यों मेलजोल रखती हो, वे सब भी तो बड़े आदमियों की लड़की हैं, फिर क्यों जाती हो। अपने भाई के मन की बात समझकर कुसुम हंसने लगी। उसने कहा, उनके साथ मैं बचपन से खेलती आ रही हूँ, इसके अलावा वे ना तो हमारी जाति की हैं और ना समाज की, उनके यहाँ जाने में हमारी लज्जा की कोई बात नहीं, किंतु उनकी बात कुछ और है। थोड़ी देर चुप रहकर कुंज ने कहा, ना उनके यहाँ जाने में भी लज्जा की कोई बात नहीं, अवश्य ही उन पर लक्ष्मी की कृपा है और उनके पास चार पैसे भी हैं, परंतु छूकर भी अहंकार या घमंड उनमें नहीं है, जैसे सभी मिट्टी के पुतले हों। मेरे दोनों हाथ पकड़कर वृंदावन की माँ ने जिस तरह उसकी बात काटकर और चिढ़कर कुसुम ने कहा, फिर वही बातें भैया, हमारी माँ पर उन लोगों ने इतना बड़ा कलंक लगाया था, शायद तुम भूल गए। कुंज ने प्रतिवाद करते हुए कहा, एक बात भी उन लोगों ने किसी से नहीं कही है, डाह के कारण कुछ बदमाशों ने झूठ मूठी बदनाम किया था। कुसुम ने कहा, तभी तो उन लोगों ने मुझे घर से निकालकर दूसरा ब्याह कर लिया, क्यों। कुंज ने कुछ अप्रतिभ होकर कहा, सो तो ठीक है, पर बेचारे वृंदावन का इसमें जरा भी हाथ नहीं था, यदि था तो उसके बाप का। थोड़ी देर चुप रहने के बाद कुसुम ने शांत भाव से कहा, अच्छा दादा, चाहे किसी का भी दोष हो, परंतु जो बात होने की नहीं उसे बार बार दोहराने से क्या फ़ायदा, जाने भी दो, मैं तुमसे बहस नहीं करती। बहन की इस बात का जवाब पहले तो कुंज नहीं दे पाया, पर कुछ ठहर कर रुष्ट होकर कहा, तुम बहस तो नहीं करती, परंतु मुझे तो सब और से देखना है, जरा सोचो तो कि आज मैं अगर मर जाऊँ तो कल तुम्हारी क्या हालत होगी। कुसुम उदास हो गई, उसने कोई जवाब नहीं दिया, फिर गंभीर होकर कुंज कहने लगा, अपने परिचित सभी बड़े बूढ़ों से मैं पूछ चुका, नलडांगे वाले बुढ़े बाबा तक से तुम्हारी खास राय ले आया हूँ, तुम जानती हो उन सबों ने बड़ी खुशी से अपनी राय दी है। कुसुम के मुंह का भाव सहसा कड़ा हो गया, परंतु थोड़े में वह यही कहकर चुप हो गई, हाँ जानती क्यों नहीं हूँ, मेरे बारे में, मेरी माँ के बारे में और मेरी कंठी बदलने के बारे में समाज में आलोचना हो रही है और अच्छे अच्छे लोगों की यही राय ली जा रही है,
इस संवाद से कुसुम अत्यंत क्रुद्ध हो गई, किंतु अपना वह भाव दबाकर उसने पूछा, क्यों दादा, इस रात तुम क्या खाओगे? कुंज ने बहन के मन का भाव समझकर कहा, मुंह भारी बनाकर, कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है। कुसुम और क्रुद्ध हो गई, वह अपनी कोठरी में चली गई। वहीं बैठे बैठे कुंज ने एक चिल्लम तंबाकू चढ़ाकर पिया और हुक्का दीवार के सहारे खड़ा करके पुकारा, कुसुम। कुसुम अपनी कोठरी में बैठी सिलाई कर रही थी। वहीं बैठे बैठे उसने पूछा, क्या है? कुंज, मैंने कहा इतनी रात हो गई, कुछ खाने को नहीं बनाओगी? नहीं, आज कुछ नहीं बनेगा, कुसुम ने जवाब दिया। यही तो पूछता हूँ, क्यों? मुझसे 100 बार नहीं कहा जाता, कुसुम ने भी बिगड़कर कहा। यह बात सुनकर कुंज दंदनाता हुआ उसकी कोठरी में जा पहुँचा, चिल्लाकर बोला, देखा कुसुम, तू मुझे जला मत, अगर इस तरह परेशान किया करेगी तो जिधर मुँह उठेगा एक दिन उधर चला जाऊँगा, कह देता हूँ। कुसुम, जाओ जाओ, अभी चले जाओ, इस तरह डोम चमारों की तरह तो मैं घर में चीखने चिल्लाने नहीं दूंगी, अगर तबीयत हो तो बाहर गली में जाकर जी भरकर चिल्ला लो। कुंज ने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा, छोटी बहन होकर बड़े भाई को घर से निकाल रही है? कुसुम ने कहा, हाँ निकाल रही हूँ, तुम बड़े हो तो क्या जो चाहे सो करोगे? बहन का चेहरा देखकर कुंज मन ही मन चिढ़ गया। उसने कुछ नरम होकर कहा, बता तो सही मैंने क्या किया है। कुसुम बोली, बिना मुझसे पूछे तुम यहाँ से चले गए और उसके घर जाकर खा है, तो इसमें नुकसान क्या हो गया? इसमें क्या नुकसान हुआ? बहुत बड़ा नुकसान हो गया, आज मना के देती हूँ, वहाँ फिर कभी मत जाना। कुंज बड़ा भाई था, झगड़े से अपनी हार मानने में उसे शर्म हुई। उसने कहा, तू क्या मुझसे बड़ी है जो मुझ पर हुक्म चलाती है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जाऊँगा। कुसुम ने भी उसी तरह जोर से कहा, नहीं कभी नहीं जाने दूंगी, अगर मैंने सुन लिया तो अच्छा नहीं होगा दादा, मैं कह देती हूँ। कुंज इस बार सचमुच ही डर गया, तो फिर से साहस दिखलाते हुए कहा, जाऊंगा तो मेरा क्या बिगाड़ लेगी? सिलाई का काम फेंक कर कुसुम जल्दी से उठ खड़ी हुई, चिल्ला कर गई, देखो कह देती हूँ, गुस्सा मत चढ़ाओ, चले जाओ मेरे सामने से, कह रही हूँ हट जाओ। सिट पिटा कर कुंज कोठरी से बाहर निकल आया, दरवाजे की आड़ में खड़ा होकर धीरे से बोला, तेरे डर से हट जाऊंगा, यदि मैं वहां जाऊंगा तो तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी? कुसुम ने कोई जवाब नहीं दिया। चिराग की बत्ती तेज कर वह फिर सोने लगी। आड़ में खड़े कुंज की हिम्मत बढ़ गई, उसने अपनी आवाज़ कुछ और तेज करके कहा, कहते हैं कुत्ते की दुम टेढ़ी ही रहती है, खुड्डायन सी चिल्लाएगी तो कोई हर्ज नहीं, मैं तनिक जोर से बोल दूँ तो। यह कहकर कुंज रुक गया, परंतु जब इसका भी अंदर से कुछ प्रतिवाद नहीं हुआ तो मन ही मन बहुत संतुष्ट हुआ। जाकर वह अपना हुक्का उठा लाया और अपने गले की आवाज़ कुछ तेज करके बोला, जब मैं बड़ा हूँ, घर का मालिक हूँ, तो सब काम मेरी मर्जी से होगा। यह कहकर कुंज ने वह जली हुई चिल्लम उलट दी और फिर से तंबाकू चढ़ाते हुए जोर से बोला, किसी की बात सुनने की मुझे ज़रूरत नहीं, मैं बार बार नहीं 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 सुन सकता, जब मैं घर का मालिक हूँ, जब घर बार सब मेरा है तो मैं कहूँगा वही। सहसा उसने पीछे पैरों की आहट सुनी और जब घूमकर देखा तो चुप रह गया। चुपचाप आकर कुसुम तेज निगाहों से उसकी ओर देखती रही। उसने कहा, बैठे बैठे तुम कलह करोगे या जाओगे यहाँ से? छोटी बहन की इस तेज निगाह के सामने बड़े भाई के मालिक बनने का सारा हौसला जाता रहा, उसके मुंह से जल्दी कोई बात नहीं निकली। कुसुम ने फिर उसी तरह कहा, दादा बताओ यहाँ से जाओगे या नहीं? अब ना तो वह कुंजनाथ रह गया था, ना उसकी वह आवाज़, भराई आवाज़ में उसने कहा, हुक्का चढ़ाकर अभी जाता हूँ, लाओ मुझे दे दो, कुसुम ने हाथ बढ़ाकर कहा। यह कहकर उसके हाथ से चिल्लम लेकर चली गई। फिर थोड़ी देर में घर लौट आई, हुक्के पर चिल्लम रखकर उसे देती हुई बोली, सुनारों की दुकान पर जाओगे ना? सिर हिलाकर कुंज ने कहा, हाँ। कुसुम ने सहज भाव से कहा, अच्छा जाओ, पर देखो ज़्यादा रात मत कर लेना, रसोई बनाने में मुझे देर नहीं लगेगी। हाथ में हुक्का लिए कुंजनाथ धीरे धीरे बाहर चला गया।